वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज 10 से 11 बजे तक हम कुछ इंटरेस्टिंग आपसे डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो हमारा सेगमेंट होता है आधे घंटे का, इसमें आज हमने कोशिश की है कि आपके साथ ट्रेवलिंग आपको कितना एक्सपोजर देती है, आप क्या क्या सीखते हैं। जैसे मैंने कहा, कल्चर्स देखने का मौका मिलता है लोगों की, उनके साथ इंटरेक्शन से आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज मैं अपनी ट्रेवलिंग के हवाले से खुद भी कुछ शेयर करने वाली हूँ, और उसके साथ साथ कुछ पिक्चर्स भी होंगी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज हमारे मेहमान होंगे वो खुद भी बहुत सारे ममालिक में, 15 से ज्यादा ममालिक में ट्रेवल कर चुके हैं, विद इन द पाकिस्तान अब्रॉड भी, और उनका ट्रैवलिंग के हवाले से एक्सपीरियंस को हम जानेंगे और उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि ट्रैवलिंग बेसिकली आपको क्या क्या सिखाती है। वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे अली अब्बास जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया। अच्छा अली अब्बास साहब, सबसे पहले तो हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं। ट्रैवलिंग हर इंसान करना चाहता है, लेकिन कुछ तो कुछ हम वो कहते हैं ना, चोर हो जाते हैं कभी के काम का बर्डन बहुत ज्यादा सारा कुछ। ट्रैवलिंग हमें बेसिकली क्यों करनी चाहिए और क्या सिखाती है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अरमला आपका इनवाइट करने के लिए। मैंने जब से ट्रैवलिंग का आगाज़ किया है, मसूद अली खान साहब हैं जो TDCP के डायरेक्टर थे, मैंने उनमें एक लेक्चर अटेंड किया उनका एक दफ़ा, वहाँ से मैंने ट्रैवलिंग का और टूरिज्म का एक्सपोजर हासिल किया। मैंने देखा कि ज़िंदगी में इंसान के जितने भी 50-60 साल की ज़िंदगी होती है हमारी, अब मैंने इसको सोचा कि इसको बेस्ट कैसे गुजारा जा सकता है, ज़िंदगी में क्या ऐसे काम किए जाएँ, क्या ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएँ जिससे इंसान का एक्सपोजर बढ़े, नॉलेज बढ़े, उसके मिजाज में ठहराव पैदा हो और उसकी लाइफ में प्लेयर इंक्रीज हो। तो फिर मैंने जो ट्रैवलिंग है ना, उसको वन ऑफ द बेस्ट सोर्स जो है ना वो पाया। पिछले दिनों स्टीव जॉब्स की डेथ हुई, जब वो डेथ बेड पे थे तो एक जो नर्स थी उन्होंने पूछा उनसे कि आप जिंदगी आपकी ख़त्म होने वाली है, इस बात का आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और डॉक्टर्स भी आपको जवाब दे चुके हैं, आप जाते हुए कोई बात करते जाइए। उन्होंने बोला कि मुझे अपनी ज़िंदगी का अफसोस है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो ऑफिस में गुजार दिया, बिजनेस डेवलपमेंट में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। अब आप देखिए, मेरे पास अरबों डॉलर्स हैं, लेकिन इस वक्त जो मुझे तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ को मैं किसी को पैसे दे के अपनी तकलीफ को बचा नहीं सकता। और क्या ही अच्छा होता कि अगर मैं खुदा की बनाई हुई जो कायनात है, जो दुनिया है, वो देख सकता, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। जितना बड़ा मैंने ब्रांड डेवलप कर लिया, जितने मैंने अरबों डॉलर्स कमा लिए, जाते हुए मेरे हाथ खाली हैं। क्या अच्छा होता कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा मुल्कों को देख सकता, ज़्यादा कल्चर को, ज़्यादा मज़ाहिब को, मुख्तलिफ लोगों को। ये जो मोमेंट्स होते हैं ना अरमला, इंसान की ज़िंदगी के ये मोमेंट्स जो हम गुजार रहे हैं, ये मोमेंट्स को बेहतरीन गुजारना ये बड़ा ज़रूरी है। और ये तभी आप गुजार सकते हैं जब आप अपनी रूटीन लाइफ से हट जाएँ। रूटीन लाइफ से हटेंगे तो आप बाहर के अपने घर से बाहर निकलते हैं, इवन कि अगर आप हड़प्पा भी चले जाएँ, मैं खुद भी कल राना रिजॉर्ट होके आया हूँ, दैट इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। मैं 15-16 मुल्कों में फिरूँ, मैंने इतना खूबसूरत जंगल कहीं नहीं देखा। पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत जो जंगलात हैं, वो यहाँ जो पाए जाते हैं, वो मैंने कहीं नहीं देखे। जब हमारे दिमाग में ट्रैवलिंग और टूरिज्म आता है, हमारे दिमाग में फौरन से ममालिक आ जाते हैं कि ममालिक में कैसे फिरा जाए। मैं अपनी भी बात करूं तो मेरे माइंड में हमेशा से ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने बाहर जाना है, ट्रैवल करने। मैंने अनफॉर्चुनेटली अभी तक नॉर्दर्न एरियाज नहीं देखे हैं, और मैं सिर्फ मरी तक यहाँ तक होकर आई हूँ। लेकिन स्टिल जहाँ पे हम बाहर से आते हैं, लोग कहते हैं आप जितना मर्जी घूम फिर के आए, जो खूबसूरती आपको पाकिस्तान में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। इवन पाकिस्तान में खूबसूरती मिलती है, लेकिन बात यह है कि आपको पाकिस्तान में एक इनरिच कल्चर है। सिंधी भी यहाँ मिलता है, बलोची मिलता है आपको यहाँ पे पठान मिलते हैं आपको। जब आप मुख्तलिफ कल्चर्स के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तब आप में टॉलरेंस लेवल भी इंक्रीज होता है और आप में ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग भी होती है। अब लोग मुझे अक्सर कहते हैं हमारे पास जो है ना वो बजट नहीं है, पैसा नहीं है ट्रैवलिंग करने के लिए। तो मैं उनसे अक्सर एक ही बात करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि आप इस ट्रैवलिंग पे, टूरिज्म पे पैसा खर्च करना शुरू कर दीजिए, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो सफर है वो वसीला जफर है। जितना ज्यादा इंसान सफर करता है, उसको बिजनेस आइडियाज आते हैं, उसको वहां पे कुछ ना कुछ बिजनेस डेवलपमेंट, उसके रिलेशन बनते हैं लोगों के साथ, वो कोई प्रोडक्ट की एक्सचेंज कर सकता है। तो इस तरह उसके दिमाग में अपने ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस को वो अपने कारोबार में और अपनी जॉब में इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, एंड ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं अपनी भी बात करूँ, मैं पहली बार मेरा अब्रॉड ट्रैवल करने को, और मुझे लगता है कि एक बार अगर आप कहीं ट्रैवल कर लें तो उसके बाद आपका दिल नहीं करता कि आप एक जगह बैठे रहें, आपकी नई से नई की तलाश में जैसे जो। और ये जरा पिक्चर्स भी हैं कुछ जो मेरी ट्रैवलिंग की और जितने मैं लोगों से मिली हूँ वहाँ पर, ये सारी पिक्चर्स मैं आपके साथ चूँकि शेयर कर रही हूँ। और अली अब्बास साहब, अब यहाँ जब हम आप
آپ خود بھی ٹریول کرتے ہیں, کس طرح کے لوگ آپ کو ملے؟ چونکہ ہم ہر کلچر کی ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں, ہم ممالک کی بات کریں, وہاں پہ بھی لوگوں کے ایک ملک میں ہزاروں کلچر ہیں, وہاں کے لوگوں کا رہنا, مسلمان بھی ہیں, دیگر جو ہیں اس سے بھی, تو آپ نے کس طرح کا ایکسپیرینس؟ دیکھیں, مجھے پاکستان میں ایک تھوڑی سی جو ہے نا وہ کہنا کیا چاہیے, بدقسمتی کہنا چاہیے, پاکستان میں ہم صرف مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو ملتے ہیں. یہاں پہ چائنیز یا جرمنز یا امیرکنز یا دوسرے کلچر کے لوگ بہت کم ہیں. کم ہونے کی وجہ سے پھر ہماری اپروچ جو ہے نا, ہمارا ویژن براڈ نہیں ہو پاتا. لنڈن میں میں گیا, لنڈن میں جو گردوارا ہے, میں گردوارے میں ہمیشہ سے جاتا ہوں. میں کسی بھی ملک میں جاؤں, میں چرچ میں ضرور جاتا ہوں, میں مندروں میں ضرور جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں ان کی کیا پریکٹسز ہیں جو ہمیں بہتر پریکٹسز اڈاپٹ کرنی چاہیے. اب میں جب گردوارے گیا, وہاں گردوارے میں اتنی میں نے خوبصورت پریکٹس دیکھی کہ وہاں پہ نو کوشچن آسک دے ول سرو یو فوڈ. اگر آپ کے پاس رہائش نہیں, وہ آپ کو رہنے کے لیے جگہ دیتے ہیں, تو آپ مفت ٹریول کر سکتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے جو لسنرز کو, جو ناظرین ہیں, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں, صرف آپ کے پاس ٹکٹ کے پیسے ہیں, تو آپ گردوارے جا کے رہ سکتے ہیں اور وہاں کا ملک ایکسپلور کر سکتے ہیں آپ. اور کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے جو ہے نا کم عقل لوگ ہوتے ہیں, سکھوں کے بارے میں گرتیفے بھی بڑے مشہور ہیں, لیکن میں نے ان کو بڑا ٹالرنٹ اور بڑا بہترین جو لوگ میں نے ان کو پایا. اچھا, ابھی جو کہ میں نے جو خود اپنے ایکسپیرینس سے, جناب یہ جو پکچرز آپ دیکھ رہے ہیں, یہ مختلف نیوز چینلز کی ہیں, ریڈیو کی ہے, اور یہ ہماری الوداعی پکچر ہے جس میں ہم سب نے ایک دوسرے کو گڈ بائے کہ وی ور 16 گرلز جو گئے تھے. اور یہ والی جو پکچر ہے گورنر ہاؤس پینسیکولا کی ہے, اور یہ جو خاتون ہیں جناب, یہ جن کی میں پکچر آپ کو دکھا رہی ہوں, شی واز 85 ایئرز اولڈ اینڈ شی واز آر گائڈ. یہ بیسکلی ہماری گائڈ تھیں جو ہمیں مختلف جگہ پر لے کے جاتی تھیں, اور جب میں نے ان کو دیکھا, آئی واز شاکڈ فار اے بٹ کہ یہ 85 ایئرس کی خاتون ہیں. اینڈ شی واز آل ڈریسڈ اپ, انہوں نے اتنے اتنے لانگ بوٹس پہنے ہوئے تھے, اور وہ جا رہی تھیں, گھوم رہی تھیں. یہ چینل 5 تھا جناب وہاں کا, جہاں پہ میں نے ایک پکچر لی. اور میں نے, اچھا جناب, یہ تھے وہاں کے ایک سابق نیوز اینکر. یہ ہماری ایک کمیونٹی جو ہے کافی, اس کی تھی ایک سیریمنی سی, اور یہ خاتون جناب, یہ ایک ریڈیو اسٹیشن کی ہیڈ, اور یہ وہاں کی بہت مشہور مارننگ شو کی اینکر ہیں, جو ہم نے واشنگٹن میں جن سے ہماری ملاقات ہوئی. تو یہ نینسی ہے ان کا نام, نینسی چین, اور یہ بھی اینکرز تھی. اچھا جناب, وہاں کی جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پروفیشنلزم, سارا کچھ ہم نے, میں نے بہت ساری چیزیں وہاں سیکھی, اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہاں آ کر بھی بہت کچھ امپلیمنٹ کیا. اور ایون ہم آپس جب اپنے آفیسز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کر پاتے, چاہے وہ ہمارے ارد گرد ہوں. تو وہاں پہ میرے بہت سارے, اچھا جناب, یہ ہمارے تین انٹرپریٹرس تھے, حسین صاحب, شبیر صاحب اور نبیل. They were with us all the time, جو ہمیں ساری چیزیں گائڈ کرتے تھے اور سارا کچھ بتاتے تھے. ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں بھی ہم گئے, بہت ساری چیزیں ہم نے ایکسپلور کی. اور یہ برف باری بالکل نہیں ہو رہی تھی, یہ آرٹیفیشل اسنو تھی. اینڈ شی از مائی فرینڈ سجا, اور یہ بہت سارے, اور یہ مجھے ایک جو سٹیزن شپ بھی ملی آنری, اور یہ تھی پینسکولا کی. تو جناب یہ میرے سفر کی کہانی تھی. اچھا علی بات صاحب, جب آپ نے یو کے بھی ٹریول کیا, اسٹیٹس بھی ٹریول کیا, وہاں کا کلچر بھی ڈائیورس ہے اور بہت رچ بھی ہے, اور وہاں کے لوگوں میں مجھے لگتا ہے وہ ساری باتیں ہیں جو کہیں نہ کہیں ہم مسلمانوں میں ہونی چاہیے. دیکھیں, میں جو پہلے یو کے نہیں گیا تھا نا, اور امریکہ نہیں گیا تھا, تو میں احساس سے کمتری کا شکار تھا, اور مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ قومیں ہیں, اور بہت زیادہ ان کے پاس علم و حکمت ہے. لیکن جب میں نے گیا, حیران کن بات یہ ہے کہ ٹائم اسکویئر کی سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں, جہاں پہ دنیا کی سب سے ایکسپینسو پلیس ہے, جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اور دنیا میں سب سے زیادہ ہوم لیس پیپل آر ان امریکہ. دنیا کا کرائم ریٹ سب سے زیادہ امریکہ میں ہے. یو کے میں دیکھ لیں اگر آپ, تو 11.1 ملین پیپل دے آر سفرنگ فرام لونلی لیس. دنیا میں واحد ایک منسٹری قائم ہوئی ہے, منسٹری آف لونلی لیس. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ جب کی یو کے کی, یو کے از دا ٹاپ موسٹ کنٹری آف دا ورلڈ, تو ہمارا انسان خوش نہیں ہے. اگر انسان خوش نہیں ہے تو اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ کا کیا فائدہ. میں ایران جانے کا اتفاق ہوا, ایران میں بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, لیکن دیکھی نہیں آج تک کہیں پہ. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یورپ از دا موسٹ کلین سٹی یا موسٹ کلین نیشن آف دا ورلڈ, جبکہ میں وہاں پہ گیا, پیرس میں سڑکوں پہ بدبو آتی ہے اور گندگی ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ جو ٹرام ہے وہاں پہ اتنی بدبو ہے کہ آپ وہاں پہ چل نہیں سکتے یا زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے. جو میں نے پریکٹیکلٹی دیکھی نا صفائی کی, وہ میں نے ایران میں دیکھی. ایران میں جو فیملی جا رہی ہوتی ہے, وہ سڑک پہ ہی چٹائی بچھاتے ہیں اور وہی پہ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. اتنا خوبصورت تصور میں نے پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. جب میرا عراق کا وزٹ ہوا, عراق میں جو حضرت امام حسین کے روزے پہ میں جب گیا,
तो वहाँ पे जो टॉलरेंस का लेवल था वो मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। आप हाथ खोल के नमाज पढ़ रहे हैं, हाथ बांध के पढ़ रहे हैं, आप टोपी पहनी हुई है, आपने नहीं पहनी हुई, टांगे खुली है, वहाँ पे नोबडी बॉदर्स एट ऑल। जैसे मर्जी नमाज पढ़े, आप पाकिस्तान में मस्जिद में नमाज पढ़नी शुरू करें तो आपके पीछे से एक हाथ आता है जो आपके ऊपर टोपी रख देता है कि आपने टोपी नहीं पहनी हुई थी। कोई आपको बाद में कहता है कि आपने वुदू जो है वो ठीक नहीं किया। नमाज खुदा ने कबूल करनी है, जैसे चाहे पढ़ें। फिर मैं जब जाता हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ कि जब लोग कहीं भी किसी भी कंट्री का सफ़र करना चाहते हैं तो वो देखते हैं टॉप 10 साइट्स ऑफ द ऑफ दैट सिटी, तो उसको देखते हैं, वो अपनी आँखों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपने कानों का इस्तेमाल करेंगे तो हम किसी कल्चर को ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। मैं हमेशा से सबसे पहले जिस भी सिटी में जाता हूँ मैं उनकी लाइब्रेरी में जाता हूँ। जैसे ही आप लाइब्रेरी में जाएँ आपको उस कौम का मिजाज पता चल जाता है, फिर वहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं उसकी डिटेल पता चल जाती है। मैं जो फर्स्ट टाइम यूके में के अरमला गया तो मैंने 25 दिनों में 34 इवेंट्स अटेंड किए एंड दैट वाज 34 लेक्चर्स, क्योंकि मेरी फील्ड थी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, मुझे शौक था लेक्चर्स अटेंड करने का। मैं वहाँ पे लेक्चर्स अटेंड करता था, लोगों से मिलता था, और कभी भी पाकिस्तानियों से मुसलमानों से हमें कम अज़ कम मिलना चाहिए क्योंकि वो लोग हमें यहाँ पर मैसर हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ की मूवीज़ हैं, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के सॉन्ग्स हैं, वहाँ के जो थिएटर है, जितना ज़्यादा हो सकता है वो वहाँ पे देखना चाहिए। और बेहतरीन तरीका किसी भी सिटी को एक्सप्लोर करने का, वहाँ पे बिग बस होती है, बिग बस चलती है। अगर आपको रास्तों का नहीं पता, आप बिग बस पे बैठे, आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देती है, अगली बस आती है फिर आपको वहां से ले जाती है। आई सो एग्री विद दैट। अभी आप अली बात सब कह रहे थे रोड्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हम ट्रेवल कर रहे थे वॉशिंगटन में और वहाँ की रोड्स जो है, हम एक्सपेक्ट करते हैं माइंड में अमेरिका आता है, हम कहते हैं डेवलप कंट्री है, मतलब इतनी ज़बरदस्त, और वहाँ पे रोड्स लिटरली इतनी ख़राब थी, हम सोच रहे थे इससे अच्छी तो हमारी रोड्स है। और हमने माइंड में बनाया हुआ ना कि अमेरिका है तो पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसी तरह जब वहाँ पे कल्चर, वहाँ पे टॉलरेंस लेवल की आप जैसे बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा है। हम लेक्चर्स भी अटेंड करते थे, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिका कुछ हम नेगेटिविटी भी डिस्कस करें, दिल Listen to you, वो आपको इतनी खुश दिली से सुनेंगे, आपका ओपिनियन सुनेंगे, उसके बाद वो आपको बहुत तहमुल से जवाब भी देंगे। इसी तरह हम थोड़े पाकिस्तानियों में है कि हम बड़े बेसब्रे होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, हम फौरन से ठा ठा पे उतर आते हैं, लेकिन एट द एंड उनमें ये चीज़ें बहुत सारी अच्छी हैं और शायद वो हम लोगों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। और जब हमने उनको पाकिस्तान के बारे में आप थोड़ा सा बताओ, दे आर वेरी एक्साइटेड टू लिसन, वो जानना चाहते हैं कि हमारा कल्चर किस तरह से डाइवर्स है, जिस तरह से हम खुद जानना चाहते हैं। ट्रेवलिंग कितनी ऑन एंड ऑफ जरूरी है लिबास, क्योंकि हम ट्रेवल एक्सपोजर, मेरे ख्याल से आपको एक महीने में कम से कम अपने शहर से दूर दूर जाना चाहिए। हाँ, जहाँ आप रहते हैं उससे एक बार जरा महीने में कम से कम एक दफा इस्लामाबाद तक चले जाएं, चाहे चले इस्लामाबाद, चले सियालकोट, चले जाएं गुजरात, चले जाएं। आप देखें बहुत खूबसूरत जगह जो है वो खेड़ा है, खेड़ा आप जाएं वो आपका एक बड़ा खूबसूरत दिन गुजरता है। मैं तो अभी रिसेंटली भी वहां से होके आया हूँ, नमक की कान दुनिया की बेहतरीन। मैं पिछले दिनों अभी तरबेला जहाँ पे वो उन्होंने डैम जो बनाना चाह रहे हैं कालाबाग डैम, मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने जो नवाब थे उनकी जो हवेलियाँ हैं वो देखी। मुझे लेक्चर्स असल में देने का जो ट्रेनिंग का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये है कि मुझे बहुत सारे कंट्रीज़ का और बहुत सारे सिटीज़ का देखने का मौका मिल जाता है, क्योंकि जहाँ भी मैं लेक्चर देने के लिए जाता हूँ मैं एक दिन पहले जाता हूँ, मैं पहले उस सिटी को पूरा स्टडी करता हूँ, अगले दिन भी थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि मैं फटाफट, ये ऐसे नहीं करता कि लेक्चर दिया या ट्रेनिंग दी फटाफट वापस आ जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर इंसान को मिले, क्योंकि जितना ज्यादा आप जगहों को फिरते हैं ना आपके दिमाग में फाइल्स बनती रहती है, जितनी ज्यादा फाइल्स बनती है उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जितना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है आप अपनी बात को कन्वे किसी के साथ कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे गुफ्तगू करने के लिए हवाले होते हैं, बहुत सारी आपके पास स्टोरीज होती हैं। तो जब ये इंटरेस्टिंग टॉक होती है ना तब लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। इस वक्त अरमला दुनिया में सबसे ज्यादा जो टूरिज्म है वो फ्रांस का है और स्पेन का, वहाँ पे तकरीबन 8 करोड़ लोग इस वक्त सालाना विजिट करते हैं, और पाकिस्तान का इस वक्त जो विजिटर है वो 1.7 मिलियन है। मैं तमाम पाकिस्तानी को ये कहना चाहता हूँ कि वो अपना हिस्सा टूरिज्म को बढ़ाने में डालते जाएं। कहीं भी आपको कोई मिलता है फॉरनर, उसका इंटरव्यू करें अपने साथ, उनसे पूछें कि आपको पाकिस्तान के लोग कैसे लगे, आप पाकिस्तान की जो बेस्ट चीज़ है वो आपको क्या लगी, आप क्या शेयर करना चाहते हैं पाकिस्तान के लोग। अभी जो मोबाइल है ये हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है, हम इसको बड़ा ही बेहतर तरीके से पॉजिटिवली के साथ यूज कर सकते हैं। आप वो वीडियोस बना के 1 से 1.5 मिनट की अपने फेसबुक पे अपलोड करें, उनको भी कहेंगे कि हमने आपकी वीडियो बनाई है, आप अपने फेसबुक पे अपलोड करें,
क्योंकि अगर कोई जर्मनी से आया है, कोई रशिया से आया है, कोई फ्रांस से आया है, कोई टर्की से आया है, जब वो लोग अपने फेसबुक पे शेयर करेंगे इसको, तब लोग उनके भी ज्यादा मोटिवेट होंगे पाकिस्तान के लिए सफर करने के लिए। डेफिनेटली यार, ये बात सब, एक छोटा सा मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें, उसके बाद मुझे ब्रेक लेनी है। मैसेज का मुझे आजकल बड़ी खुशी मुझे ये है कि करतारपुर का जो बॉर्डर जो खुला है, इसमें तकरीबन दुनिया में 6 करोड़ सिख हैं। ये इतना बड़ा इस वक्त जो इकोनॉमिकल ग्रोथ आने वाला है पाकिस्तान में, क्योंकि उनके कल्चर के लोग आएंगे, इनके साथ दोस्तियां होंगी, बिजनेस बढ़ेगा, हमारे मुल्क में टूरिज्म बढ़ेगा। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि जितने भी लोग वहां पे इस वक्त मौजूद हैं, उनको बहुत अच्छे से एंटरटेन करें। लवली लवली, थैंक यू वेरी मच अलीबा साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। जनाब, आज का टॉपिक बताने का मकसद ये था, और मेरा अपना भी एक्सपीरियंस मैंने आपसे इसलिए शेयर किया कि एक बार अगर आपने ट्रेवल कर लिया तो ट्रस्ट मी, उसके बाद आपका दोबारा दिल ही करेगा कि आपकी ट्रेवलिंग कभी रुके, और आपका दिल करता रहेगा कि आप ट्रेवल करते रहे। जरूर एक्सप्लोर करें जगहों को, उसके लिए आपको फाइनेंशियली आप मेरे ख्याल से सेविंग्स करना शुरू करें, या आप विद इन द पाकिस्तान ट्रेवल करें। मुख्तलिफ इतनी डाइवर्सिटी हमारे पाकिस्तान में भी, आप उसको जरूर एक्सप्लोर करें, आप बहुत कुछ सीखेंगे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मैं और भी मेहमान ज्वाइन करेंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।